दो फॉर्मूलाज बड़े फेमस हैं इसमें, एक लेंस मेकर फॉर्मूला और एक लेंस फॉर्मूला, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो तुम 10th क्लास में सीख के आए हो, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला है। तुमने लेंस बनाया तो था नहीं 10th में। हम क्या कर रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, हम लेंस को बनाने जा रहे हैं। और लेंस कैसे बनता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जोड़ के बनता है, राइट। तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि रिलेशन देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि लेंस के अंदर ग्लास है, म्यू का, दोनों रेडियस का, R1 R2 का, और लेंस की फोकल लेंथ का। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है। अब ध्यान से समझना, इसमें इसके अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला पहले मैं कन्वेक्स लेंस के लिए बनाऊंगा, फिर कनकेव के लिए बनाऊंगा। तो आप इमेजिन करें, आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये रहा कन्वेक्स लेंस और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सपोज करो, आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, ये आपकी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पे, और इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। दोनों के सेंटर अलग अलग हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं इसमें, कि अगर मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधी यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, ये लो, इसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगी, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, और वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर से। मान लो सेंटर C1 है, नहीं, ये सेकेंड सरफेस है, सेंटर उल्टा हो गया, रुक, वेट वेट वेट। तो आप क्या करें, इसका सेंटर राइट है, मैं C1 मार्क कर लेता हूँ, इसका सेंटर C2, क्योंकि इसका सेंटर ढूंढना है ना। तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर से, क्योंकि इसका तो सेंटर इधर बनेगा, तो सेंटर इधर से पास करेगा। अब रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक, तो आपकी रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। और ये लाइट अगर मान लो एक मिनट के लिए ये सरफेस ना होती, तो पता है लाइट को कहाँ मिलना था, लाइट सीधी जाके यहां मिलती, और ये क्या कहलाती है, इसकी इमेज, ठीक है, इसकी इमेज। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में सेकंड सरफेस आ गई, सेकंड सरफेस का जो नॉर्मल है वो ऑब्वियसली यहां कहीं से पास करेगा। अब रे ऑफ लाइट जब यहां से मुड़ेगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में वो कहां पर मिली, यहां पे मिल गई। दो रिफ्लेक्शंस हैं। तो मैं इस डायग्राम को जरा यहां और प्रॉपरली दिखाता हूं, ये देखो, इसमें क्या हुआ, रे ऑफ लाइट ये रही, एक रे ऑफ लाइट कैसी आई, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गई, एक रे ऑफ लाइट ये गई, इस सरफेस का नॉर्मल ये रहा, यहां आके मिलेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये सरफेस ना होती तो ये यहां आके मिल जाती, पर यहां पर ये सरफेस है, इसका नॉर्मल इस तरफ है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये यहां आके मिल गई, क्लियर है। इस सरफेस के लिए, सिर्फ इस सरफेस की बात करो, इसको देखो भी मत, इस सरफेस के लिए ये क्या माना जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट, और इसने क्या किया था, अपनी इमेज को यहां बना दिया था। तो पहली सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और वो इमेज है, पर दूसरे सरफेस के होते हुए क्या हुआ, ये इमेज क्या हो गई, यहां पर शिफ्ट हो गई, इमेज शिफ्ट हो गई। तो इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, पर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, क्योंकि उसका सरफेस का काम तो शिफ्टिंग का काम है, इसका काम है रियल ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और वो इमेज है, और सेकंड सरफेस ने लाइट को और बेंड करके इमेज को शिफ्ट करवा दिया, तो सेकंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर जो पहली सरफेस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, यू, और पहली सरफेस के लिए इमेज कहां पर बनी, V1। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, यू, इमेज का डिस्टेंस कितना है, V1। और रिफ्रैक्शन यहां पर कैसे हो रही है, रेयरर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला की वैल्यू पुट करें, यू V1 इमेज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो इसका R1 है पहले का, इक्वेशन नंबर 1।
सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर की रिफ्रैक्शन है, तो डेंसर टू रेयरर में सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, वी वन पे, इमेज कहां पर बन रही है, वी पे, तो वी वन से वी पे कर दिया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह वी वन, इमेज की जगह वी, और रेडियस आर टू, और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो पहली सरफेस के लिए रेयरर टू डेंसर, ऑब्जेक्ट कहां पर है यू, इमेज कहां पर है वी वन, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है वी वन, इमेज कहां पर है वी, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। म्यू टू को आगे म्यू वन को बाद में ले जाओ तो ये माइनस आर टू आ गया। इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड कर दें, जब इक्वेशन नंबर वन एंड टू को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसल, तो वी वन वाला काम तो खत्म हो गया, इसमें ऐड करने पर यह रिजल्ट आएगा, म्यू वन कॉमन आएगा, म्यू वन इसके नीचे आएगा, म्यू टू बाई म्यू वन इज टू ऊपर है तो नीचे, वन नीचे है तो ऊपर, ये टर्म आएगी, और आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है इसकी जगह क्या लिखेंगे, वन बाई एफ। ये रहा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, जिस टर्म एंटर भी करेंगे इसे हाईलाइट कर लो, वन बाई एफ इज म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। और ये फॉर्मूला नोट करने के बाद ये डायग्राम अपनी कॉपी में प्लीज बनाएंगे, कॉपी में ट्राई करें।